नाम आता है तो उनको राम याद आता है। 4 साल निकल गया, अब चुनावी मौसम शुरू हो गया, 1-2 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का, तब जाकर के इनको राम याद आते हैं। अरे ये लोग रह जाएंगे तो 2019 में अगर दोबारा आ गए तो राम जी को भूल करके मोदी जी का मंदिर बनवाने लग जाएंगे। तो आप समझिए, दोबारा चुनाव होने नहीं जाएगा अगर दोबारा ये आ जाएंगे मोदी जी, तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, संविधान ही खत्म हो जाएगा। इनका एक ही मकसद है कि राजा की तरह राज करो, सबको गुलाम बना करके रखो, और बस आरएसएस का जो एजेंडा है नागपुरिया कानून उसको लागू कह रहा है बीजेपी की। कांग्रेस माफी मांगे, अपोजिशन माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने एक बात समझना चाहिए। अरे नीचे करो ना, अरे उसका हिल गया है। ये जो पीआईएल के द्वारा नीचे कर लीजिए ना, हम नीचे हैं, ठीक है, हमें साइल हमने लिया, हम थोड़ा नीचे आ रहा है, अरे चला जा रहा माइक का आवाज आ रहा है सामने के द्वारा, ठीक है। हम लोगों का शुरू से ही मांग रहा है, सर नीचे कीजिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक मिनट द्वारा जो है इसकी जांच होनी चाहिए, और अभी भी इस डिमांड पे कायम है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और मैटर जो भी था देखना पड़ेगा, कौन इंडिविजुअल था, क्या पुख्ता कागज, आप बताइए। यहाँ जो बिहार में यहाँ भी किसी ने पीआईएल किया था हाईकोर्ट में, लेकिन इसका मतलब क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला तो हुआ ही है, ठीक है। और अभी भी सीबीआई जांच दे दिया गया है, सीबीआई जांच कर दी, ठीक है। रे इस पे बीजेपी क्या कहे ना कहे, ये बीजेपी को जो लोग इसमें इन्वॉल्व रखा है उन लोगों को पता है ये बात, बहुत बड़े पैमाने पे इसमें घोटाला हुआ है। और साफ तौर पर जो विमान का जो रेट है वो भारत सरकार नहीं बता पाई, ये आप मतलब आश्चर्य की बात है कि हर चीज़ों का रेट पता चलता है। और जब ये सारी बातें जब चल रही है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है, जब कोई बातें उठी है, एलिगेशन उठता है, अगर विपक्ष हम लोग बिहार में सृजन घोटाले की मांग नहीं करते, जांच की मांग नहीं करते, तो जांच नहीं होती। सर ने माइक नहीं आवाज, इसी तरीके से माइक थोड़ा नीचे, ये जो जांच जो है कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, तब जाकर के पानी का जेपीसी की मांग को आप आते हैं, जेपीसी की मांग हम लोग कर रहे हैं शुरू से, हम लोगों की मांग है। ये जो पीआईएल तो इंडिविजुअल ने किया है, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है वो पवित्र है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो जेपीसी कराने में क्या दिक्कत है, करवा दे कमेटी बना दे, सब पार्टी के लोग रहेंगे, उसमें जांच चलेगी। बीजेपी डिबेट की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में, डिबेट हो इस पे, डिबेट हो जो हो, लेकिन कमेटी बनाने